आज आपको एक ट्रिक बताने वाला या टिप देने वाला जो गेम चेंजर होने वाली है आपके लिए क्योंकि आपको कोई नहीं बताएगा ये ठीक है और शायद बताई भी होगी तो मैं इस पे ना बहुत ज्यादा एम्फेसिस देके बताने वाला हूँ आपको सर क्या है बताने के पहले सब्सक्राइब किए बिना ना सुनते हो आ... नहीं सब्सक्राइब करने का फिर सुनने का उसके अलावा लाइट टारगेट क्या कुछ फाइव हंड्रेड कर दोगे कर देना ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या तरीके से जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ सर जितने भी लास्ट के दिन है मैं ऐसा मानता हूं अभी आपका एक एक रिविजन चलेगा एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट का एक रिविजन आप करने वाले हो अभी ठीक है प्लीज फोकस ऑन दैट वन डेज इससे मेरा मतलब क्या है जब आप अभी रिवाइज करोगे तो मार्क करके रखना मैं वो डेढ़ दिन में क्या पढ़ूंगा कहां से पढ़ूंगा कितना पढ़ूंगा एग्जाम्पल देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरा एफ था जब मैं फाइनल में था तो मेरा टाइम चैप्टर था एक सपोज अमाल है ना जिसको आप अभी बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हो तो मैंने लिख रखा था कि मेरा अमाल में ना एक डायरी बना ली थी मैंने डायरी में मैंने ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं था मैंने इसे बताया था कि मुझे कंसेप्ट कहां से पढ़ना है है ना तो फॉर एग्जाम्पल कंसेप्ट मुझे यहां यहाँ से पढ़ना है ये पेज नंबर से पढ़ना है और सेकेंड मैंने लिखा था कि आउट ऑफ द फिफ्टी क्वेश्चन मुझे कौन से सात या आठ क्वेश्चन करके जाने हैं बस और अगर किसी क्वेश्चन को मुझे पूरा नहीं करना है तो उस क्वेश्चन मुझे कौन सा कंसेप्ट करना है ये मेरी मार्किंग रेडी थी आखिरी के पांच दिनों में एफआर में कैसे करूंगा तो मुझे जब यह पता है ना कि आखिरी के पांच दिन में कोई सब्जेक्ट मेरा कैसे कंप्लीट होएगा तो मेरा काम बन जाता है सेम अप्लाइज टू एस एफ एम मैंने सिर्फ स्मॉल डायरी बनाई थी हर के लिए कि एस एफ एम में फॉरिक्स है सिक्सटी कर नहीं पाऊंगा तो सिक्सटी में से कौन से क्वेश्चन में करूंगा अब ये क्वेश्चन का सिलेक्शन में लास्ट डेढ़ दिन में नहीं कर सकता भाई डेढ़ दिन में सिलेक्शन करू कि पढ़ाई करू तो आज जब रिवाइज करो आज करना क्योंकि आज आप शायद 60 में से 30 क्वेश्चंस करोगे अब वो 30 में से डेढ़ दिन में कौन से लेकर जाने वो मार्क करना है

वो हवा पानी हो जाएगी और जो चीज आपने भले अभी एक बार पढ़ी है अगर वो लास्ट वन में के बाजू में आ गए, वो आपको याद आ डेढ़ मी लेटर ठीक है तो कमेंट में डाल के जाना किसान बना ले दिन का प्लान? अब आपको एक बोनस एडवाइस देता हूं आईसीएआई का रिजल्ट आप बोलते हैं बहुत ज्यादा होता है मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ सपोज सौ लोग एग्जाम दे रहे हैं ना एफिशिएंसी पे सौ लोग नहीं है मुझे कितने लोग बोलते हैं सर मैं एग्जामिशन के लिए टारगेट कर रहा हूं सर मैं तो मई ट्वेंटी फोर जा चुका हूं सर मैंने फॉर्म भरा दोनों ग्रुप का मैं तो दूंगा एक ही ग्रुप अब ये चीज तो रिजल्ट में अकाउंट फॉर नहीं होती है ना रिजल्ट में तो ये होता है कि कितने लोग ने फॉर्म भरा मतलब इतने लोग अपियर किए अब ये थोड़ी ना मालूम होता है कि इसमें से कितने लोग ने पढ़ाई नहीं करी थी इसमें से कितने लोग बेचारे दे ही नहीं पाएंगे इस बार इसमें से कितने लोग न्यू सिलेबस में जा रहे हैं इसमें से कितने लोग सिर्फ एग्जामिशन एक के लिए ट्राई कर रहे हैं कितने लोग ने फॉर्म सिर्फ इसके लिए भर दिया ऐसे ही भरने के लिए बट फोकस तो दूसरा ग्रुप है तो ऐसा बहुत लोग है तो मैं बताऊ आपका जो भी टारगेट एरिया है ना कंपटीशन अगर सौ लोग है तो सौ के सौ में कंपटीशन है ही नहीं कंपटीशन आपका बहुत कम है और ये कंपटीशन में सस्टेन कौन कर जाएगा ये कंपटीशन सस्टेन वो कर जाएगा जो अभी के महीने में पूरी मेहनत करके प्लानिंग कर लेकर डेढ़ दिन में कैसे पढ़ूंगा और पैनिक नहीं करना है अगर आप आप अपने कर्मा पे फोकस करो भाई अपना प्रोसेस अपने हाथ में है ना आपका पास्ट से कुछ फर्क पड़ने वाला है कि पास्ट में मैंने इतना टाइम वेस्ट किया या इतना अच्छा से क्या ठीक है कर लिया ना वेरी गुड ठीक है ना आपके फ्यूचर को सोच के कोई टाइम मिलने वाला है आपको फ्यूचर का सोच के भी कुछ नहीं होने वाला है फोकस फोकस ऑन द प्रेजेंट प्रेजेंट में में क्या करना है मैंने बताया एक रिविजन और हर रिविजन में आप अभी यही फोकस करोगे कि डेढ़ दिन का प्लानिंग और हम पढ़ते हुए चलेंगे मतलब चलेंगे क्योंकि हम वो रेस में रहना चाहते हैं वो सौ लोग की रेस में सौ लोग नहीं भाग रहे मैं तुमको यही बता रहा हूं वो आइडियली भाग इफेक्टिवली चालीस पचास लोग ही रहे और अगर आप देखोगे तो सौ में से अगर 20 लोग पास हो रहे, तो सौ तो इफेक्टिवली भाग रहे पचास लोग भाग रहे हैं कहीं ज्यादा है और इस बार तो बहुत कम पढ़ने वाले, मैं दो क्यू? लोग हैं क्यों लोगों को पता है की सिलेबस में तीन सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो बहुत तो डिफर मार चुके हैं रियलिटी हाँ, है बता रहा हूं मेरे को आते है मैसेज ठीक है तुम मत मारो तुमने थाने ना देने का नवंबर में देके रखो और निकल जाओगे मैं बता रहा हूं निकल जाओगे पढ़ते चलना बस तुम्हारा पास्ट में कितना हुआ है मैं उससे बात ही नहीं कर रहा हूं तुम फ्यूचर में क्या करोगे मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं आज आज से लेकर तुम्हारे जितने दिन है रिविजन डेढ़ दिन का प्लानिंग और करते चलना है अब बहाने नहीं चलेंगे मेरा ये नहीं हो रहा है मेरा वो नहीं हो रहा अगर अब बहाने है तो भाई फिर तुम भी वो रेस में नहीं हो फिर ऑनेस्टली एकदम दिल से दिल बता रहा हूं मतलब तुमको है ना मैं फेक कॉन्फिडेंस या फेक ऐसा नहीं बोलूंगा एकदम दिल से बता रहा हूं अगर तुम आज भी वो नहीं

टिल देन चैनल अगेन सब्सक्राइब कर लेना उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो ज्वाइन करके कर रख लो एफआर को लेकर जो भी हेल्प कर पाऊंगा मैं करता रहूँगा उसके ऊपर ठीक है सो थैंक यू सो मच बाय आई वन टेयर सी वॉल बाय